ये जो सरमायाकारी है पाकिस्तानी मईशत के लिए किस कदर अहम है, खासतौर पर इस वक्त में, और इसके क्या समरात हासिल हूँ? दोनों देश यानी कि यूएई और भारत अब लोकल करेंसीज में अपना सेटलमेंट करेंगे ट्रेड का। तो इंडिया वाकई अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आप सबको मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इन 5 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपनी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। यही तो कयामत है। बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कुछ न कुछ करेंगे। मोदी जी तो मुमकिन है, he's trying his best। हाँ भाई हाँ। इस्लामी मुल्कों में भारत के बढ़ते प्रभाव और बढ़ते रसूख को देखने के बाद में इन कन्वर्टेड मुसलमानों के पेट में मरोड़े उठ रही है, पेट में दर्द हो रहा है। सर, हमारे वजीर आजम जब जाते हैं यूएई की बात कर ले तो उन्हें कोई खास वेलकम भी नहीं होता। पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। एक नेशन को इतनी इज्जत वो मुल्क दे रहा है और दूसरी नेशन को कहता है गेट आउट पाकिस्तान, गेट आउट पाकिस्तान। क्योंकि कन्वर्टेड मुसलमान अपने आप को उन मुसलमानों से भी ऊपर रखते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। कौम अब जाग चुकी है। हमारे जो पाकिस्तानी मुस्लिम है इसको तो बिल्कुल ही ना देखा ही नहीं जाता, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। क्यों? असल में हिंदुओं से कन्वर्ट हुए मुसलमान है और सऊदी अरब वाले प्रिंस तो इनको अल हिंदी मस्किन कहते हैं। क्योंकि सबसे मैं कहता हूँ ना कि इनकी सबसे नीचे वाली कैटेगरी है एज ए मुस्लिम है देखो तो। वाह भाई वाह। एज ए मुस्लिम अगर हम अपने आप को देखें ना, आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि हम एक हमें ना मांगने वाला समझा जाता है। भिखारियों। हालांकि ये पाकिस्तानी कन्वर्टेड कौम मोदी जी की तारीफ कर रही है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है और बढ़ते प्रभाव को सम्मान भी दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुड़ रही है, जल रही है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 चल। नरेंद्र मोदी इंडिया को तो इज्जत दिला रहे हैं, लेकिन जो मुसाफिर हैं, जो ओवरसीज इंडियन हैं, उनको भी मुल्कों में जाके बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस इनहांस कर रहे हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिलवा रहे हैं, उनके लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के मोदी, ठीक है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं जो उनको मिल रही है। अच्छा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, अब न्यूज चैनल हो गया, स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, अब तो यूथ का दिन है, तो हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने अपने मुल्क के लिए काम किया है पिछले 7-8 साल में और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। G20 समिट हुआ इंडिया में, इसके अलावा आपको बताया वहाँ पे रशिया के लोग, काफ़ी लोग ममालिक के जो वज़ीर आज़म कह लें या जो भी है यूएई से लोग आए, तो ये है कि उन्होंने इंडिया के लिए इतना ज़्यादा काम कर दिया कि आने वाले जो अगर इंडिया को 5-7 साल लाहौर मिल जाए, अभी तो वैसे ही अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है, मे बी इफ एम नॉट रॉन्ग मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, उसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा बड़ा हाथ है, वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया। बस मैं तीसरी क्या बन जाएगी ये मैं बता रहा हूँ कि आने वाले। इतना कॉन्फिडेंट कैसे है और आपके पास इतनी नॉलेज कैसे है अबाउट इंडिया? यही सारी बात है कि सोशल मीडिया का दौरा इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं, जैसे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ, तो हाँ तो ये रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें चाहिए, अब देखिए हम मुस्लिम ममालिक हम अपने आप को कहते हैं जो है हम, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन ये है कि हमारे वीज़े भी बैन कर दिए कि अबू दुबई की तरफ से। हाँ। पीछे आप जैसे बता रही थी कि न्यूज़ वगैरह आई हैं, मैं भाई को सुन रहा था कि भिखारी पकड़ेंगे हैं वहाँ पे, तो इसमें हमारी जो है गुडविल ख़राब होती है, जो लोग होती नहीं हो चुकी है ना, सऊदी अरब का वर्किंग वीज़ा मिल रहा है 2 महीनों से और ना यूएई का बैन कर दिया, अब पता नहीं कब खुलेंगे, ये भी कोई पाकिस्तानियों को आइडिया नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये हम लोग डिजर्व यही चीज़ करते हैं, जिस तरह इन्होंने हमें बैन किया है, वीज़े बैन किए गए हैं, वहाँ पे लोग आपके सामने जाके मांगना शुरू कर देते हैं, हमारी ये रैपो है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कुछ और दिखाता है, ठीक है, लेकिन होता कुछ और है, हमें वाकई जगह जगह वीज़े नहीं मिल रहे। इंडिया में तो इतना तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे काफ़ी ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, सिर्फ आप होटल बुकिंग करें, ठीक है, जाके आप गुड टू गो हैं। तो इंडिया वाकई अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं
तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखें ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF, वो कहता है कि भाई गारंटी दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है। वो वाले ममालिक जो के एक टाइम पे हमारा बड़े साथ थे, वो भी हमसे दूर हो गए। इस्लामी ममालिक जिनको हम कहते हैं, तो PM मोदी ने 2008 में गालबन विजिट किया था। तो मैं तो चाहता हूँ हमारी जो अब गवर्नमेंट बनने जा रही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, तो उनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो हम तो यही होपफुल करेंगे कि यार उनके वो आए नवाज शरीफ और दोबारा अपने जो है तलुकात इंडिया से बहाल करेंगे, बड़े अच्छे रहे। हमारा इमेज बनाने वाले जो लोग हैं वो आपको अच्छे से पता है कौन है। ये हमारे माशाल्लाह जो गुजरे हुए कल के लोग हैं, ये क्या मैं बोलूँ इन लोगों को, ये PP है, और स्पेशली जो ये शहबाज शरीफ लोग हैं, ये तो सिस्टम उन्होंने जनरेट किया है ना। ये जो गंद वाला काम था, ये जो कचरा सिस्टम बनाया, ये इन्होंने बनाया। सर, हमारे वजीर आजम जब जाते हैं UAE की बात कर ले, तो उन्हें कोई खास वेलकम भी नहीं होता। उनके जो मुलाजिम होते हैं वो उन्हें रिसीव करते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं। आज UAE के अंदर अबू धाबी में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया कवरेज करी, 80,000 के करीब डायस्पोरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने जा रहे हैं, और पूरे UAE में बोर्ड पता क्या लिखे हुए हैं, अहलन मोदी, अहलन मोदी। यार वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद है, एक नेशन को इतनी इज्जत वो मुल्क दे रहा है और दूसरी नेशन को कहता है गेट आउट पाकिस्तान, गेट आउट पाकिस्तान। देखें, नस्लों का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा हमारे बड़े करते हैं, वो आगे आने ले जो जनरेशन होती है वो पे करती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं दुबई से ही हूँ, मैं दुबई रहा हूँ। मैं, क्या बात है, कितना अरसा? मैं 4-5 साल वहाँ रहा हूँ। तो सर, आपको तो सही रियलिटी पता होगी कि एक पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक होता है, एक इंडियन के साथ क्या सलूक होता है, एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को वो किस नजर से देखते हैं और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, इंडियन का सारा बिजनेस वहीं पे है, ठीक है। एज ए मुस्लिम अगर हम अपने आप को देखें ना, आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि हमें ना मांगने वाला समझा जाता है, ठीक है। और UAE वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाहों से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते ना, ना बिल्कुल किराए पे भी नहीं देते, किराए पे भी नहीं देते। उनको पता है, देखें ये इमेज सारा इन्होंने छोड़ा हुआ है, नून लीग वालों ने, गांधी ने किया हुआ है सारा, ठीक है। और देखें, मैं आपको बताऊं, वहां पे इंडियन को ज्यादा इज्जत मिलती है, उनके बिजनेस वहां पे हैं। हालांकि मुस्लिम वो कंट्री है, मुस्लिम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाहर निकल आए। आप लोग कहते हैं यार मेरी इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी, मेरे मुल्क में रोजगार कितना आएगा, मेरे मुल्क में डॉलर कितना आएगा, मैं अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाऊं। अब रिलीजन तो लोग डिस्कस ही नहीं करते, इस्लामिक कंट्रीज देखें कैसे कैसे उनके डिसीजन आ रहे हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी मुस्लिम है ना, इसको तो बिल्कुल ही ना देखा ही नहीं जाता, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि सबसे मैं कहता हूँ ना कि इनकी सबसे नीचे वाली कैटेगरी है एज ए मुस्लिम है देखो तो, ठीक है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कमिटमेंट ऑन करते हैं, ठीक है, कि आजकल ना इस्लाम चलता है ना नेशन चलता है, कि आप किस आजकल सिर्फ इकोनॉमी चलती है। बहुत अच्छा पॉइंट। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब एटम बम है, एक है, 120 है, जो भी है, किस काम के। अब ये बच्चे देखे, इनकी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ क्या है, इनके यहाँ पे जितने भी है, हाँ, इनका क्या लाइफ है। ये मसला है इलीट क्लास का और मिडिल क्लास का, वो सिर्फ सिस्टम में, चाहे तुम हम चाहे इमरान खान ले आए, जरदारी ले आए, इमरान खान की तरह सा और बना दे, वो इस ये नेशन मतलब आज की जो कौम है ना, इसकी तकदीर नहीं चेंज कर सकते। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में मैं ये बोल सकता हूँ, उन पाकिस्तानियों ने भले तारीफ करते हो लेकिन अंदर ही अंदर ये जलते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, क्योंकि ना उम्मीद हो चुके हैं, थके हारे कौम है, नेगेटिव कमेंट होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट इन लोगों के पास में है नहीं। अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी हो तो थोड़ी अच्छी बात कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में भी जिहाद भरा हुआ है, उसके दिमाग में भी कजवा हिंद भरा हुआ है। पाकिस्तान का सब्ज परचम लाल किले पर लहराने की ख्वाहिशें तभी हुई है, और आप लोगों के भी विचार काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाइए, पेलिए और समझाइए। और हाँ भाई साहब, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ आज, कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ है। अब मैं रुका हुआ हूँ, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, कर लो, करो 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 करो। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।